हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडो रोमन ट्रेड। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिग्निफिकेंट दिखलाई देता है वो है भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में होने वाले विदेशी आक्रमण के साथ ही साथ जो सिटी लाइफ है वो भारतीय महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में हमें स्प्रेड होते दिखलाई देते हैं। एंड इसके अलावा क्राफ्ट जो है उसका प्रसार हमें दिखलाई देता है। इसके साथ ही साथ मनी इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट हमें दिखलाई देता है। भारत रोम के बीच होने वाले व्यापार से संबंधित हमारे पास अनेकों सोर्सेज दिखलाई देते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेरिप्लस जो कि 1st सेंचुरी AD का टेक्स्ट है, ज्योग्राफी रिटन बाय स्ट्रेबो, नेचुरल हिस्ट्री रिटन बाय प्लिनी। इसके साथ ही साथ संगम साहित्य से भी हमें अनेकों सूचनाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें अनेकों सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है आरिका मेडो, जिसका एंशियंट नेम पोदुके था। दूसरा महत्वपूर्ण जो स्थल है वो मुजरिस है, जो कि केरल में है वर्तमान में, जिसका मॉडर्न नेम पतनम है। इसके अतिरिक्त पोम्पई, जो कि एक एंशियंट रोमन सिटी थी, उससे भी हमें अनेकों सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र क्षेत्र से अनेकों ऐसे डोनर इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें भारत रोम के बीच व्यापार से संबंधित अनेकों सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दक्षिण भारत से हमें अनेकों 6,000 रोमन क्वाइंस की प्राप्ति होती है, जो मुख्य रूप से अगस्त और सेंट एबरीज के काल में जारी किए गए थे। रोमन सिल्वर क्वाइंस को देनारी कहा जाता था एंड रोमन गोल्ड क्वाइंस को ऑरिस कहा जाता था। इस काल की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें हम देखते हैं कि उत्तर भारत में सुंगों का शासन था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हमें इंडो ग्रीक रूलर्स दिखलाई देते हैं। सुंगों के पश्चात उत्तर भारत में मालवा क्षेत्र में हमें कुषाणों का शासन दिखलाई देता है। शक जो है वो पश्चिमी भारत में शासन कर रहे थे। दक्कन के क्षेत्र में हमें सातवाहनों का शासन दिखलाई देता है। सुदूर दक्षिण में चेर चोल एंड पांड्यों का शासन हमें दिखलाई देता है। सबसे जो आरंभिक साक्ष्य हैं भारत रोम के बीच व्यापार के वो हमें पोम्पई से प्राप्त होते हैं, जहाँ से हमें 2nd सेंचुरी BC से हमें एक आइवरी इमेज मदर गॉडेस की इमेज प्राप्त होती है, जो कि स्टाइलिस्टिकली भारत में निर्मित है, यानी भारत से जो है व्यापार के माध्यम से वो रोम तक पहुंची थी। इस इमेज में आप उस आइवरी इमेज मदर गॉडेस की इमेज को देख सकते हैं। फ्रंट एंड बैक पोर्शन दोनों दिखलाई दे रहा है एंड जो रेस्ट टू इमेजेज हैं वो पोम्पेई की हैं। भारत रोम के बीच व्यापार में जो है सबसे महत्वपूर्ण है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एक्टिविटी दिखलाई देती है, जो कि और उसके साथ ही साथ कुषाणों एवं सातवाहनों के काल में जो है मनी इकोनॉमी में भी हमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखलाई देता है। कुषाणों के द्वारा जारी किए गए गोल्ड क्वाइन को दिनार कहा जाता था एंड जो सिल्वर क्वाइन है वो पूरन कहे जाते थे, पुरान कहे जाते थे एंड कॉपर क्वाइन को कासर पर कहा जाता था। इसके अलावा जो है दक्षिण भारतीय राज्यों ने भी कुछ लोकल PMC क्वाइंस इशू किए थे एंड इसके अतिरिक्त हमें सिटी क्वाइंस एंड गिल्ड्स क्वाइंस के भी कॉन्सेप्ट हमें दिखलाई देते हैं। भारत और पश्चिम एशिया के बीच जो व्यापार है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो है अलायंस गठबंधन को माना जाता है। और इस भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल था वो चाइनीज सिल्क का भी एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। भारत रोम के होने वाले व्यापार में सबसे ज्यादा जो एडवांचेस था वो है पार्थियन और पर्शियन का एडवांचेस सबसे ज्यादा माना जाता था। और जो है और इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा था। प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास जो है भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार में पार्थियंस को जो है अलग करने के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। और जो व्यापार है वो जो चाइनीज सिल्क का जो व्यापार है वो भारत के ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट के द्वारा जो है रोम तक किया जाने लगा था। रोमन शासक एम्परर के काल में जो है पर्थिया के द्वारा होने वाले व्यापार को अवॉइड करने के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो रोमन शासक हैं वो भारत से व्यापार करने के लिए सी ट्रेड को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। इसके इसके लिए रोमन शासक अगस्त ने 2500 BCE में 2500 BCE में 25 ईस्वी में BCE में जो है एक